हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केलकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। यह हमारे दो हॉस्पिटल है, जिसमें हम एक इसमें मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं, और दूसरा एक हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं। हमारे यहाँ बुढ़ापे के मतलब बुढ़ापे में जिनको तकलीफ है, मानसिक बीमारी है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए भी गोल्डन होम नाम का एक वहीं कंस्ट्रक्शन किया, मतलब वहीं एक बिल्डिंग है उसके करीब ही, और जहां हम लोगों को जो एजेड लोग हैं, प्राउड लोग है ना, सीनियर सिटीजन है, उनको हम रखते हैं और उनकी हम केयर लेते हैं। मेरे पास में काफ़ी बच्चों को माँ बाप लेके आते हैं, और बच्चों के अनुशासन के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। होता क्या है कि माँ बाप अभी बच्चों को अनुशासन में रखते ही नहीं है, डिसिप्लिन में रखते ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि बच्चों ने जो मांग लिया वो हमने देना चाहिए, और उनको ना कैसे बोलना, क्योंकि बच्चे फिर बोलते हैं कि नहीं, हमारे दोस्त ने लिया, बाजू वाले ने लिया, हमारे क्लासमेट ने लिया, हमको क्यों नहीं। और माँ बाप भी बच्चों ने जो मांगा वो देने के लिए बहुत आतुर है। बच्चे बोलते हैं मेरे को जर्सी होना, हाँ ठीक है ले लो, पेन होना चलो ले लो, मोबाइल होना चलो ले लो, पिक्चर जाना है चलो जाओ, पिकनिक जाना है बिल्कुल चले जाओ, बाइक होना चलो ले लो, जो भी चाहिए, मतलब जो भी मांग लिया वो बिल्कुल माँ बाप देने को तैयार ही है, और उनका वर्ड जो है वो नीचे गिरता ही नहीं है। जैसे हमारे बचपन में ऐसा नहीं था, हमारे बचपन में माँ बाप को मांगा तो बोलते आज नहीं, बाद में देखेंगे, अभी नहीं मिलेगा, बाद में देखेंगे। आज तो माँ बाप रुकने को तैयार ही नहीं है, जैसा मांग लिया वैसा दे देते हैं। बच्चों को प्रॉब्लम अभी ऐसा निर्माण हो रहा है कि उनको फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस नहीं है, मतलब रुकने का धीरज नहीं है। जैसा कुछ चीज़ चाहिए, देख लिया तो उनको लगता है कि मुझे तुरंत मिलना चाहिए। कोई शिस्त नहीं है बच्चों को, अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। बच्चे जैसा जैसा मर्जी चाहे वैसा वो बिहेव करते रहते हैं, बर्ताव करते रहते हैं, माँ बाप कुछ बोलते नहीं। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, उनके साथ में कठोर रहना भी बहुत ज़रूरी है। जितना प्यार करना जरूरी है उतना कठोर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, लोग बोलते कि डिसिप्लिन में रखना बहुत ठीक नहीं है, बच्चे बहुत डर जाते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन में रखा तो उनके मन में भय निर्माण होता है, बच्चे सप्रेस रहते, दबोच दबोच के रहते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों को डिसिप्लिन में रखना, और डिसिप्लिन में रखे तो बच्चों का पालन पोषण अच्छा होता है और वो अच्छे नागरिक बन सकते हैं। बच्चों को बताना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि बच्चों को आपको डांटना पड़ेगा, हो सकता है कि उनको जो भी मांगा उनसे उनको वंचित रखना पड़ेगा। मैं हरदम बोलता हूँ माँ को कि भाई आप ऐसा करो, उनको शिक्षा करो, पनिशमेंट करो, और वो पनिशमेंट कौन सी है, ना बोलने की। बच्चों के साथ में बातचीत मत करो, बोलो मत, बोलना मैं दो घंटे बोलूँगी नहीं या दो घंटे बात नहीं करूँगा। मतलब उनको लगना चाहिए कि आप मतलब बच्चा जो कुछ कर रहा है वो अप्रूव नहीं है, उसके लिए उनकी सम्मति नहीं है, उसके लिए वो कबूल नहीं है। माँ बाप कि जो भी करेंगे, जो भी मर्जी चाहेंगे वो उनको तुरंत मिलेगा ऐसा नहीं है। तो डिसिप्लिन जो है वो ज़रूरी है, और डिसिप्लिन नहीं रहा, कठोरता नहीं रही, तो बच्चे भाग जाते हैं। और आजकल जो प्रॉब्लम आ रहे हैं कि बच्चे फेसबुक के इसमें एडिक्शन में जा रहे हैं, व्हाट्सएप के एडिक्शन में जा रहे हैं, मोबाइल अलग तरह के लोग होना, बाइक होना, आजकल तो ऐसा है कि गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो अनपढ़ माना जाता है या बहुत पुराने ज़माने का माना जाता है लड़का या लड़की। बॉयफ्रेंड नहीं है तो लड़की भी कि बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसा कैसा है। मतलब वो तो एक फैशन हो गई है कि बॉयफ्रेंड होना, गर्लफ्रेंड होना। तो ये ज़माने में बच्चे कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, धीरे धीरे मतलब बियर लेना चालू कर देते हैं बच्चों के हाथ में, सिगरेट पीना चालू कर देते हैं, फिर और कोई अलग अलग सब्सटेंसेस लेना चालू कर देते हैं, और माँ बाप को पता ही लगता नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। माँ बाप अपने अपने काम में बिजी है, बच्चे अपने दोस्तों में बिजी है, और रात बेरात मतलब 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे लड़के लड़कियाँ मोटर बाइक के ऊपर घूम रहे, ऐसा नज़र आता है मतलब आजकल कि कहीं भी घूम रहे लोग, कहीं भी खड़े हैं। 12:30 बजे लड़के लड़कियों ने घूमना तो बहुत कॉमन बात हो गई, और माँ बाप भी बिजी है, वो भी कहाँ घर पे आते हैं। तो बच्चों को पूछने की बात तो अलग ही रही कि बच्चों को कहाँ से पूछना कि भाई आप घर लेट क्यों आ गए, क्यों खुद ही लेट आते घर में,
माँ भी लेट आती है, बाप भी लेट आता है, तो बच्चों को कहाँ से पूछेंगे तुम लेट क्यों आए। कठोरता जो है बच्चों को पालन पोषण करने में बहुत जरूरी है, और कठोरता रही, शिस्त रही, डिसिप्लिन रही, तो बच्चों का पालन पोषण अच्छा होगा और बच्चे एक अच्छे नागरिक बनेंगे। आपको यह मालूम है जिराफ का एग्जाम्पल, शायद मैंने पहले वीडियो में बोला था, अभी और फिर दोहरा रहा हूँ। माँ जिराफ जो रहती है, मदर जिराफ, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो जन्म लेने के बाद में बच्चा जमीन के ऊपर गिर जाता है। उसको माँ करती क्या है, माँ उसको लात से उसको हवा में उड़ाती है और वो अपने पैर के ऊपर खड़ा हो जाता है, पैर में ताकत रहती नहीं, वो फिर गिर जाता है। फिर वो उसको लात से मारती है, उड़ाती है हवा में, वो फिर खड़ा रहता है और फिर गिर जाता है। फिर लात मारेंगे, फिर उड़ाएगी, फिर बच्चा खड़ा रहेगा, फिर गिर जाएगा। वो तब तक लात मारते रहती है उसकी मदर जिराफ, मतलब माँ उसकी, जब तक वो बच्चा अपने पैर के ऊपर खड़ा नहीं रहता। ऐसा क्यों? मदर को कठोर होना पड़ता है, क्योंकि यदि नहीं किया तो बच्चा कभी खड़ा रहेगा ही नहीं। माँ बाप शिस्त लगाते नहीं है, रात रात बच्चे घर पे आते नहीं है, कठोर नहीं होते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मैं कुछ बोलूँ तो बच्चे को क्या लगेगा। माँ को लगता है कि मैं कुछ बोलूँ तो बच्चे को क्या लगेगा। बाप को लगता है कि मैं कुछ बोलूँ तो बच्चे को क्या लगेगा। माँ बाप आपस में स्पर्धा कर रहे हैं कि माँ बच्चे में प्यारी है ज़्यादा, कि उसके डैडी उसके लिए ज़्यादा प्यारे हैं। माँ बाप बनना ये कोई स्पर्धा नहीं है कि जिसमें कौन ज़्यादा प्यार करता है या कौन ज़्यादा प्यारा बच्चों में है, ये कोई स्पर्धा थोड़ी है। जो डिसिप्लिन लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा, जो कठोर, जहाँ कठोर होना पड़ेगा वहाँ कठोर ही होना पड़ेगा, और नहीं तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद होने वाली, ख़त्म होने वाली है। माँ बाप अपने आप को अपन बचपन में कुछ नहीं कर सके तो वो बच्चों के माध्यम से पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मुझे बचपन में बाइक नहीं मिली तो मैं मेरे बच्चों को बाइक दूंगा, ताकि मेरी जो परेशानी थी बचपन में या मेरी जो इच्छाएं थी, वो भी इच्छाएं मैं मेरे बच्चे के माध्यम से पूरी कर रहा हूँ। और उसमें बच्चा खराब होते जा रहा है, बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, बच्चा रात रात भर घूमते रहता है। तो डिसिप्लिन होना और उनको अनुशासन से क्या करना है क्या नहीं करना है ये बच्चों को सीधा बताना, और वो नहीं करते हैं तो उसके लिए कठोर होके ये करना ही पड़ेगा, इसके सिवा चलेगा नहीं। ऐसा जब माँ बाप करेंगे तभी बच्चे बराबर बर्ताव करेंगे, अन्यथा आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। सभी माँ बाप को, सभी पालक वर्गों को मुझे बताने का है कि अपने बच्चों को जो चाहिए वो तुरंत मत दीजिएगा। उनको रुकने के लिए, मतलब फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जो मैंने भी कहा, रुकने के लिए मतलब उनको देरी तक रुकते आना चाहिए, उनका उनका धीरज जो है वो बढ़ना चाहिए, उनका पेशेंस बढ़ना चाहिए। उसके लिए जो भी मांगते उसको आराम से दो, टाइम से दो, और जो नहीं देना वो नहीं देना, ना मतलब ना, ना मतलब हाँ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो मांग लिया वो दे दिया, तभी उनको शिस्त लगेगी, अनुशासन लगेगा और आगे अपने देश के नागरिक अच्छे बनेंगे। तो ये मुझे बताना था। आपको यदि अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को वीडियो शेयर करो। काफ़ी पालक होंगे कि जिनको ये वीडियो से जानकारी होंगी बच्चों के डिसिप्लिन के बारे में, तो आपके परिचित जो पालक होंगे उनको जरूर ये वीडियो व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो, फेसबुक के ऊपर शेयर करो। अच्छा लगा आपको तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।